हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चले हम लोग फिर आपस में बात करते हैं और एक दूसरे के नॉलेज को शेयर करते हुए हम आज डिस्कशन करने वाले कि जिस तरह से लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा एक्सपेंशन ज्वाइंट फिलर बोर्ड, और सेम चीज एक्सपेंशन ज्वाइंट फिलर बोर्ड में आपने देखा था कि वो वाटर प्रूफ नहीं होता है, उसको वाटर में डालने से भी स्वेल हो जाएगा। लेकिन दूसरे तरफ जहाँ पे काफ़ी सारा प्रोजेक्ट में लगने वाला होता है उसका नाम है ड्यूरा बोर्ड, चाहे ब्रिज हो या रोड हो या बिल्डिंग हो, तो इसका मार्केट में काफ़ी डिमांड है। कंस्ट्रक्शन कंपनियों को काफ़ी डिमांड है और इसके केमिकल प्रॉपर्टी भी अच्छी रहती है, वेदर रेजिस्टेंस भी रहता है, और इसका एप्लीकेशन आपको बताएंगे। तो आज हम उसके पहले जाने से पहले हम ये देखना चाहेंगे कि ड्यूरा बोर्ड को वेट कैसे निकालते हैं और ये कितने साइज में मार्केट में अवेलेबल होता है और कितने साइज का डिमांड है। ज़्यादातर देखा जाता है तो फर्स्ट हम बात करेंगे जैसे कि ड्यूरा बोर्ड, इसमें 2 mm से लेकर के 100 mm तक आता है। कितना mm तक? 2 mm से 100 mm तक आता है। और फर्स्ट जो साइज होता है 1/2 meter होता है, दूसरा साइज जो होता है 4 feet by 8 feet होता है, और तीसरा जो साइज होता है 1.5 into 2 meter होता है। ठीक है, तो 1 by 1 हम लोग क्लियर करेंगे कि आखिर इसका वेट कैसे निकालेंगे। पहले हमको वेट की काफी जरूरत पड़ती है, चाहे ट्रांसपोर्ट हो या कहीं भी। आपने देखा होगा वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है क्या मैडम? वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो सोच लीजिए इक्विवेलेंट डेंसिटी इसका भी होता है। एचडी का मतलब ही समझ जाइए कि जो आपका 100 जो है ये आपका हाई डेंसिटी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचडी का मतलब होता है हाई डेंसिटी। क्या बोलते हैं? H का मतलब हाई और D का मतलब डेंसिटी। इसका 100 का मतलब क्या होगा आप समझ लो कि 100 kg/m³ क्या है इसका यूनिट हो गया। इसका डेंसिटी 100 kg/m³, क्योंकि कोई भी आपका डेंसिटी होता है क्यूब में लिया, एरिया आपको स्क्वायर में लिया जाता है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 g/cm³। ओके, तो आपने एचडी 100 का मतलब समझ लिया कि एचडी 100 क्यों लिखते हैं और ड्यूरा बोर्ड क्यों बोलते हैं। तो ड्यूरा बोर्ड और एचडी 100 बोथ इज सेम। क्या है? बोथ इज सेम। तो आपने तीन अब हम एक साइज पर आज डिस्कशन करेंगे, फिर दूसरा साइज पर जाएंगे। फर्स्ट वीडियो में एक साइज को पूरी तरह से डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट साइज क्या है? 1 meter into 2 meter। तो 1 meter into 2 meter है फर्स्ट साइज। क्या है? 1 meter into 2 meter है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। अभी ड्यूरा बोर्ड में आपको ज्यादा बाकी साइजेस को गोली मारो। ठीक है, अब एक ही साइज का हम बात करते हैं, एक साइज का बात करते हैं। ड्यूरा बोर्ड बोला तो इसका जो मटेरियल रहता है PU मटेरियल रहता है, PU फोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PU फोम बोलते हैं, जो इसका केमिकल में भी अल्काइलेज प्रॉपर्टी भी अच्छी रहती है और वाटर अब्जर्शन भी 0.001% से ज़्यादा नहीं होता है, मतलब वाटर को बिल्कुल अब्जर्व ही नहीं करता है। ठीक है, तो हम 1/2 meter की बात करते हैं। तो आप लोग के सामने ज्यादातर आपको कस्टमर क्या पूछते हैं, 12 mm पूछते हैं, 20 mm पूछते हैं, 25 mm पूछते हैं, 50 mm पूछते हैं, 100 mm पूछते हैं, राइट? ज्यादातर आपको कस्टमर ये पूछते हैं, लेकिन आपको 2 mm से 100 mm तक आपको मार्केट में अवेलेबल रहता है। चलिए हम आज वेट की बात करते हैं, इसका वेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम वेट की बात करते हैं। तो आपको क्लियर, पहले भी मैंने बोला है कि वेट निकालने के लिए लेंथ इंटू या पहले थिकनेस ले लीजिए, थिकनेस इंटू विड्थ इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई 1000
और फिर से आप डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो आपको पेजेस में आ जाएगा। ठीक है, अब सब लोग अपना अपना कैलकुलेटर ले लीजिए, पेन पेंसिल ले लीजिए और आप करके देखिए। जैसे कि आपका फर्स्ट क्या है, 211 थिकनेस हो गया, विड्थ हो गया 1000 mm और इसका हो गया 2000 लेंथ हो गया, डेंसिटी 1 हो गया। तो डिवाइडेड बाय 1000 करो, अब फिर डिवाइडेड बाय 1000 करो तो कितना आ गया, 24 नहीं जाएगा, 24 नहीं, तो फिर से करिए, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस इंटू 1.1 ऐसा ले सकते हैं। जैसे आपका 12 हो गया इंटू 1000 इंटू 2000 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड 1000 6.4 2.6 हो गया, 2.6। ठीक है, ऑलरेडी डिवाइडेड बाई 1000 दो बार करें ना सर, 2.6 होगा। ठीक है सर, उतना वेट होने का चांस नहीं है, 2.6 होगा। ठीक है, अब अगर इसको आप सेंटीमीटर में ले लिए तो डायरेक्ट आ जाता है। जैसे मान लीजिए ओ ए हो गया सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर, तो 1.2 इंटू 100 इंटू 200 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड 1000 2.6 के जी आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आप ऐसा कर लीजिए, 20 का कर लीजिए, 20 का कर लो आप, तो 20 का भी आप करोगे थिकनेस 20 इंटू 1000 4.4 होगा। ठीक है, 20 इंटू 1000 इंटू 2000 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1000 तो आपको 4 के जी हो गया। ठीक है, इसका आपका हो गया कितना, 2.6 के जी, इसका 4 के जी हो गया, अब 25 का ले लीजिए, 25 इंटू 25 इंटू 1000 इंटू 2000 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 1000 तो इसका हो गया आपका 5.5 के जी। ठीक है, दूसरा ले लीजिए 50 mm का ले लीजिए, 11 के जी, 50 का ले लीजिए, 50 इंटू 1000 इंटू 2000 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 1000 तो 11 के जी इसका हो गया। ठीक है, राइट, और 100 एम का ले लीजिए, 22 के जी हो गया। ठीक है, तो आपको वेट मालूम हो गया कि 1/2 मीटर में रहेगा तो आपका ये वेट आएगा 2.6। इसमें फ्लक्चुएशन भी होता है डेंसिटी में, जैसे किसी किसी मैन्युफैक्चरर का 1.14 भी आता है, क्या आता है, एक्चुअल जो है 1 इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अगर यही आपको 1.4 से करोगे तो आपको थोड़ा सा चेंज होगा, अब 1.14 से करके देख लीजिए, अब जो मार्केट में अवेलेबल रहता है 1.14 के हिसाब से अवेलेबल रहता है, जैसे कि 12 इंटू 1000 इंटू 2000 इंटू 1.14 डिवाइडेड बाई 1000 तो 2.7 हो गया, 2.7 हो गया। इसका आप करते हो 20 इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 1.14 डिवाइडेड बाई 1000 तो कितना हो गया, 4.56 हो गया। ठीक है, 4.56 हो गया। ठीक है, और इसका 25 का देखो, 5.7 तो इसका हो गया 5.7 हो गया, और 50 mm का देख लो 1.14 से, तो मार्केट में एक्चुअल में HD 100 का मानना है कि 1 ही डेंसिटी होना चाहिए, 1 डेंसिटी होना चाहिए, लेकिन मार्केट में इसका कितना आया,
11 हुआ, 11.4 और इसका डबल कर देंगे तो 22.8। तो आपने देख लिया वेट कैसे निकालते हैं। तो मार्केट में जो है आपको इसका जो 1 से लेके 1.14 तक डेंसिटी आपको ड्यूरा बोर्ड का होता है, तो आपने देख लिया वेट कैसे निकालते हैं। इस तरह से और भी साइजेस का आप वेट निकाल सकते हो। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसका प्राइस कैसे देना चाहिए, जिससे आपको प्राइस कैसे देना चाहिए तो आपको बताना चाहूँगा। इसको क्या करना, सीधी सी फंडा है, जैसे मार्केट में आपको जो परचेज प्राइस होता है लोग आपको 28-29 पर एमएम देंगे, तो आप इसको कम से कम 1-2 रुपया पकड़ के आपको सेल करना होगा, ठीक है। जैसे मार्केट में इसको क्या रेट में देते हैं लोग, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं 29 के हिसाब से देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 29 ही पकड़ लीजिए, तो 12 × 29 कितना हो गया, 348 आपका हो गया पर पीस, राइट, पर लोज। 20 एमएम का पकड़ते हो तो कितना हो जाएगा, 20 × 29 580, तो इसका हो गया 580 पर नंबर, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको 25 का पकड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 725 पर नंबर, ठीक है। और 50 का पकड़ेंगे तो 50 × 29 कितना हो गया, 1450 और इसका 100 का पकड़ेंगे तो 2900 हो गया। तो आपको कास्टिंग भी निकालना आ गया, तो आपको ये रखना है, और मान लीजिए आपको 29 में आपको मिल रहा है, ठीक है, तो आपको इसको 2 रुपया पकड़ के देना है, जिससे आपका एक परचेज प्राइस हो गया। अगर आपको सेल करना है तो सेलिंग प्राइस आप मान लीजिए 29 + 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 31। अब 31 से आप करके देख लीजिए 12 × 31 कितना हो गया, 372। तो 372 आप आज के मार्केट के हिसाब से दे सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट जो है आपका 20 एमएम का कितना है, 620 आपको दे सकते हो, और 25 का कितना है, 775 पर दे सकते हो पर पीस। और इसके बाद 100 का कितना है, 3100 हो गया। तो आपको पता चल गया कि इसका वेट भी कैसे निकालना है और इसका रेट भी कैसे निकालना है, ठीक है। तो आज आपने देखा कि ड्यूरा बोर्ड क्या है और इसकी थिकनेस के डायमेंशन के हिसाब से वेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब दूसरे जो साइज आते हैं, अब इसको हम क्यूबिक सेंटीमीटर में कैसे निकालेंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कस्टमर आपसे पूछता है कि मान लीजिए उसको 100 स्क्वायर मीटर चाहिए, कितना 100 स्क्वायर मीटर, तो पहले आप ये जो सीट आपको आ रहा है कितना 1/2, 1 × 2, तो एरिया कितना हो गया, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो 1 × 2 करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एरिया 2 स्क्वायर मीटर हो गया। मान लीजिए उसको 100 चाहिए तो 2 से डिवाइड करेंगे तो उसको 50 फीट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो भी एरिया आएगा उसको आप निकाल, लेंथ इंटू विड्थ इज एरिया, और उस एरिया से आप जो है जितना कस्टमर को चाहिए उसमें डिवाइड कर दीजिए, आपको पीसेस आ जाएगा, ठीक है। दूसरा बात करेंगे कि ड्यूरा बोर्ड में दूसरे जो साइज आते हैं, दूसरे साइज क्या है, सेकंड साइज क्या है, 4 फीट × 8 फीट। तो 4 फीट × 8 फीट सपोज मान लीजिए 4 फीट में के 12 mm × 4 फीट को हम लोग 1200 बोल सकते हैं, और इसको कितना बोलेंगे वो 8 फीट को 2400, ठीक है। 20 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, राइट। तो आप इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कि इसका 1.14 डेंसिटी से कितना वेट आ जाएगा। सपोज मान लीजिए वो 12 × 1200 × 2400 × 1.14 / 1000 तो ये आपका वेट जो हो गया डिवाइडेड बाय 1000।
तो 3.93 होगा, ठीक है, 3.993, ठीक है, ओके। दूसरा जो हो जाएगा आपका 20 20 into 1200 into 2000 into 1.14 डिवाइडेड बाई 1000, देख लीजिए फिर से 20 into 1200 into 2400 into 1.14, तो 6.5 6.7 आप ले सकते हैं, ठीक है, राइट। 25 एम का ले लीजिए, 25 into 1200 into 2400 into 1.14, तो इसका 8.2 kg हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका 50 एम का ले लीजिए, तो 50 into 1200 into 2400 into 1.14, तो इसका आपका वेट हो गया 16.42 kg, ठीक पर पीस। 100 एम का 100 into 1200 into 2400 into 1.14, तो इसका हो गया आपका 32.83 पर नंबर, राइट। ये जो भी वेट आया, जैसे कि आपका 12 mm का कोई पूछेगा, 2 फीट बाय 4 फीट 4 फीट बाय 8 फीट का, तो आपको ऐसा कैलकुलेट कर सके, 3.93 पर पीस का वेट आएगा। 20 mm का 6.5 kg पर पीस आएगा, 25 का 8.2 kg आएगा, 50 का जो है आपका 16.42 kg पर पीस आएगा, 100 mm का 32.83 kg पर पीस आएगा। अब इसका हमको अगर रेट निकालना होगा, आपको कास्टिंग देना होगा, तो क्या करना होगा, जैसे मार्केट में आपको जो मैन्युफैक्चरर है आपको 38 rupees पर mm आपको कोट कर दे, तो आपको 2 रुपया पकड़ के आपको कितना कोट करना होगा, 40 आपको कोट करना होगा, 40 rupees पर mm। अब चलिए आपका सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, टोटल 12 into 38 करेंगे तो कितना होगा, 12 mm का कितना होगा, 20 mm का कितना होगा, 25 का कितना होगा, 50 का कितना होगा, 100 का कितना होगा, कितना रहा आपका 38 के हिसाब से, 456 आपका। अगर ये साइज लेते हो 4 फीट बाय 8 फीट, अगर 12 mm का आपको परचेज करते हो तो ये पे आपको, और सेलिंग प्राइस जो है आपको 40 के हिसाब से देना है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, अगर मान लीजिए 12 into 40 कितना हो गया, 480 हो गया। अब दूसरा 20 mm है, तो 20 into 38 कितना हो गया, 760 आपका परचेज हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 800 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। वहाँ पे आगे बात कर, 25 into 38 कितना हो गया, 950 आपका परचेज हो गया, सेल प्राइस कितना हो गया, 1000 rupees हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपका 50 into 38 कितना हो गया, 1900 हो गया, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 2000 हो गया। अब इसके 100 mm की बात करते हैं, 3800 हो गया, और सेलिंग प्राइस कितना, 4000। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि वेट कैसे निकालना है और रेट कैसे निकालना है, वेट और रेट, तो फिर आपको पता, आप इजी कोटेशन दे सकते हो। तो वीडियो के माध्यम से यही आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी मार्केट में लोग हैं, अंधेरे में जी रहे हैं, उनको पता नहीं है, सब्जेक्ट मालूम नहीं होता, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता कि कोई भी प्रोडक्ट को डीपली जाइए, और डीपली जाने के लिए अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप संध्या इंटरप्राइज यूट्यूब पर जाइए, आपको सारे प्रोडक्ट का रेट मिलेगा, वेट मिलेगा, और सारे कैलकुलेशन मिलेंगे, और उसके स्पेसिफिक मिलेंगे। आगे हम जो नेक्स्ट साइज की बात करेंगे, नेक्स्ट साइज क्या आता है इसमें डूरा बोर्ड में, 1.55। नेक्स्ट साइज में से जाने से पहले आपका इसका एरिया निकाल लीजिए, इसका एरिया कितना होगा, ये साइज का एरिया कितना होगा, एरिया लेंथ इनटू विड्थ, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, मान लीजिए इसका 4 फीट बाय 8 फीट का एरिया कितना हो गया, कितना हो गया आपको एरिया, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ आपका 2400 था और विड्थ जो था 1200 था, तो इसका एरिया कितना हो गया,
यहाँ पर 2.4 इंटू 1.2 मीटर स्क्वायर में निकालेंगे, तो मीटर में निकालने के लिए जो भी एमएम में 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2.4 हो जाएगा, इधर 1.2 हो जाएगा, और दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.4 इंटू 1.2 अगर आप करते हो तो 24 हो गया, 24 एमएम हो गया चार का इतना, तो कितना हो गया मैडम 2.88, तो 2.88 जो है आपका मीटर क्यूब हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, एरिया हो गया, मतलब एक सीट में कितना एरिया कवर करने वाला है। अगर मान लीजिए किसी को 300 स्क्वायर मीटर उसको चाहिए तो 300 स्क्वायर मीटर में 2.88 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना पीस आएगा, आप मान लीजिए किसी कस्टमर को 300 पीस है तो डिवाइडेड बाय 2.88 आप करने से आपको कितना सीट देना पड़ेगा, तो 104 नंबर आपको सीट देंगे तो ये एरिया 300 स्क्वायर मीटर कवर करने वाला है, राइट, क्लियर जी। तो आपने देख लिया, कैलकुलेशन भी देख लिया, कोटेशन भी देख मालूम हो गया, रेट भी मालूम हो गया इसका, और आगे हम बात करने वाले हैं ड्यूराबोर्ड के बारे में कि आगे जो है एक और साइज आता है जो बहुत माइनर आता है मार्केट में, कोई कोई पूछता है, रिमेनिंग 1.2 मीटर ही ज्यादा चलता है और 4.8 चलता है, लेकिन ये जो और साइज है वो आपको कभी कभी चलता है, जैसे कि आपको मान लीजिए कि 1.5 मीटर और इंटू 2 मीटर होता है, ठीक है, तो 1.5 मीटर इंटू 2 मीटर का आप जो है आप निकालते हो तो इसका कितना एरिया कवर करता है, एरिया इक्वल टू 1.5 इंटू 2 करते हैं तो 3 हो गया ना, थ्री स्क्वायर मीटर मीटर एरिया आपको कवर करता है, ठीक है। अब हम इसका बात करेंगे कि इसका वेट कैसे निकालना, तो सेम चीज है जैसे वाली 12 mm है, 20 mm है, 25 mm है और 50 mm है, 100 mm है, तो आपको सेम चीज करना है कि 1500 इंटू 2000, ठीक है, और इंटू 1.14 करना है, तो आप करके देखिए कि कितना आ रहा है, इसका वेट कितना आ रहा है, 120 इंटू 1500 इंटू 2000 इंटू 1.14, तो इसका 4.1 जो आपका वेट हो गया, 4.1, ठीक है। दूसरा बात करते हैं 20 इंटू 1500 इंटू 2000 इंटू 1.14, तो आपका हो गया कितना आ गया, 6.8, दूसरा का हो गया 6.8 केजी, 8 हो गया, इसका 25 इंटू 1500 इंटू 2000 इंटू 1.14, इसका आपका वेट आ गया 8.55 पर केजी पर पीस, राइट। इसके बाद 50 इंटू 1500 इंटू 2000 इंटू 1.14, तो इसका कितना हो गया, 17.1 हो गया, ठीक है। इसके बाद 100 एमएम माइनर कभी कभी कोई पूछता है, 100 इंटू 1500 इंटू 2000 इंटू 1.14, तो इसका कितना हो गया, 34.2 केजी पर पीस हो गया। तो आपने देखा कि अगर कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट रहेगा 1500 इंटू 2000, 1.5 मीटर इंटू 2 मीटर, 12 mm का रहेगा तो 4.1 केजी आपका पर पीस वेट आएगा। दूसरा अगर 20 mm पूछता है तो 1.5 इंटू 2 मीटर का आपको 6.84 केजी पर पीस आएगा। तीसरा 25 mm का अगर पूछता है तो 8.55 केजी आएगा। 50 mm का पूछता है 17.1 केजी पर पीस आएगा। 100 का पूछता है तो 34.2 केजी। आपको वेट मालूम हो गया, अब हम आ जाएंगे रेट पे। रेट कैसे मालूम करना है, तो रेट आपको मालूम करने के लिए सिंपल सी कैलकुलेशन है। इसका जो है आपका रेट निकालना बहुत सिंपल सी मेथड है। जैसे कि आप इसका अगर आप रेट निकालते हो तो इसको आपको कम से कम इसका जो है आपको 41 आपको परचेज होता है और आपको इसको 43 में बेचना होगा। तो मान लीजिए 12 mm है, 20 mm है, 25 mm है, 50 mm है, 100 mm, आप तो कर सकते हो। 12 into 41 कितना हो गया, 492 आपका परचेज हो गया। तो सेल का आपको कितना में करना होगा, कम से कम 43, क्या कितना,
तो 516 आप मिनिमम आपको परचेज सेलिंग रेट हो गया 20 mm इंटू 41 आपका परचेज हो गया कितना हो गया 820 आपका परचेज हो गया आपको सेल कितना में करना होगा 860 में आपको सेल करना होगा इसके 25 है होगा क्या है 1025 है और इसको सेल कितना में कर सकते हैं 1075 और इसके बाद आपका आता है 50 mm 2050 और इसका सेलिंग प्राइस 2150 हो जाएगा और 4100 और इसका सेलिंग प्राइस 4300 तो आपने देख लिया कि ये जो आपका परचेज प्राइस है और सेलिंग कम से कम ही है इसके ऊपर ही आपको सेल करना होगा कि ये लो मार्जिन मटेरियल है इसमें ज्यादा मार्जिन नहीं रहता है ना ही मैन्युफैक्चरर को मार्जिन होता है ना ही सेलर को मार्जिन होता है और इसी के साथ आपने देखा कि हाउ टू कैलकुलेट वेट एंड हाउ टू कैलकुलेट रेट फॉर ड्यूराबोर्ड तो आप पूरी तरह से क्लियर है पूरी तरह से आपको कुछ डाउट है कि ड्यूराबोर्ड क्या है HD100 क्या है आप अभी तक अभी भी सस्पेंस में है तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे को मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9652998932 आप बने रहिए और इसी तरह से मैं हर एक दिन आपको एक टेक्निकल थिंग्स लेके आएगा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीज लेके आएगा इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ नमस्कार धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो।